साहिब जी के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो वो आज पूरी हो गई है, तो हमने अपने चलते हैं पानी के अंदर, राइट? सो एग्जैक्टली, और जुलाई में शादी करने का भी एक रीजन था जो, सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज है वीकेंड और मैं और गुरसाहिब जी जा रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पर, जहाँ पर हमने बहुत पहले जाना था बट मौका आज मिला है। सो साथ के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कनाडा में शादी का प्रोसेस और खर्चा क्या है, क्या वो अफोर्डेबल है या नहीं है, वो सारी बातें आपको साथ साथ जगह दिखाएंगे और मिलकर बात करेंगे, राइट? सो डू नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमारा ब्रेकफास्ट तो आ गया है और गुरसाहिब जी आज थोड़ा कम वीडियो में आ रहे हैं क्योंकि इनकी आईज़ में ना थोड़ा सा स्वेलिंग आ गई है, तो प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी सी, और बेचारे की तबीयत एक हफ्ते से ठीक नहीं है। मधुमक्खी काट गई है। मधुमक्खी नहीं, पता नहीं क्या काटा, हमें पता नहीं लग रहा, बट हमारी अपॉइंटमेंट है मंडे को, तो मंडे को पता लगेगा, तो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और चलते हैं अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि हम किसी आइलैंड पे जा रहे हैं, बट नाम आपको वहां जाकर पता चलेगा और दिखाएंगे भी ऑब्वियसली वहीं जाकर, राइट? यस। सो हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, तो चलते हैं हम अपने आइलैंड में, लेट्स गो। सो जैसे कि आपने रिक्वेस्ट करा था कि बैक कैमरे से वीडियो बनाई जाए, तो मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, और गुरसाहिब जी यहाँ पर पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो हमें नहीं पता उस आइलैंड पे हमें कुछ खाने को मिलेगा, और रास्ते में भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो अंदर चलते हैं और थोड़े से चिप्स विप्स लेते हैं। वही सब कुछ है, ग्रीन लेस ले लिए और ये क्या है, पॉपकॉर्न ले लिए हैं, और देखते हैं अभी और क्या पसंद आएगा। स्टॉक रख लिया है और अब हम चलते हैं आइलैंड की तरफ, एंड लेट्स गो। गुरसाहिब जी थोड़े से आज इरिटेटेड से फील कर रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उनकी आई की वजह से, सो होपफुली कल तक ठीक हो जाएगी, तो वो भी हमें ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हंसते खिलखिलाते हुए। अभी भी हंस रहा हूं। खिलखिला रहा हूँ बट इतना नहीं हो रही है बड़ी। बट उनको दिक्कत हो रही है आईज में, आई ना ओपन नहीं हो पा रही फुली। तो भाई थोड़ी जल्दी निकलते हैं क्योंकि वहाँ पर फेरी वगैरह भी हमने पकड़नी है, कहीं वो मिस ना हो जाए, कोई टाइम जो होता है हो सकता है लास्ट स्लॉट हो, सो लेट्स गो। तो आज जो है ना मौसम हम पे बहुत मेहरबान है, तो उन्होंने कहा है फुली तरीके से घूमो, कोई धूप नहीं है और इतनी बढ़िया हवा चल रही है, तो आइलैंड पे जाकर जो मज़ा आने वाला और जो व्यू के मज़े आएंगे वो तो इसी मौसम में आएंगे। अभी हम लमिंगटन नाम के शहर में जो विंडसर से 50 किलोमीटर दूर है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और ये देख सकते हैं कि कितनी अच्छी है, ब्यूटीफुल जगह। ये अभी आइलैंड नहीं है, अभी यहाँ से फेरी जाएगी, तो उसकी इंक्वायरी करने हम दोनों जा रहे हैं, देखते हैं कितने की है, कितने बजे जाएगी और क्या हिसाब किताब है, क्या हिसाब किताब है वहाँ पर। सो चलते हैं अब इंक्वायरी करते हैं। सो गाइस बहुत ही मतलब मुझे तो बहुत ही दुख हो रहा है कि हम पूरे टाइम पे भी आ गए, और जो फेरी जाती है यहाँ पर एक तो 10 बजे जाती है, एक 2 o'clock जाती है और एक 6 o'clock। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि वेदर बहुत अच्छा है, तो वेदर इतना ज़्यादा भी नहीं अच्छा होना चाहिए कि हमारी जो 2 o'clock वाली फेरी थी वो कैंसिल हो गई, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना क्लियर नहीं है, लाइक बहुत बड़ी बड़ी वेव्स चल रही हैं, तो उस वजह से कैंसिल हो गया है। तो एग्जैक्टली, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टाइम है वो 6 o'clock का स्लॉट है, बट उसके लिए ये शर्त है कि आपको वहीं पर रहना पड़ेगा, उसके बाद की कोई फेरी नहीं है, ओवरनाइट स्टे करना पड़ेगा। तो ये हमारा कोई प्लान नहीं था, ये प्लान का पार्ट नहीं है। सो हमारे पास ये सारा इनका जो क्या बोलते हैं इसको, आइटनरी जो इन्होंने दे दी है, तो इस पर हमने क्या करना है, अब कभी फिर आएंगे, बट सामने बहुत ही सुंदर बीच है, वहाँ बैठते हैं, और इसके इस छोटे से शहर में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, तो वहाँ पर भी घूमते हैं, राइट, और आपको भी साथ में दिखाते हैं। बट बहुत दुख हुआ, अगर आप लोग भी विंडसर या लंदन या किचनर इस टोरंटो के आसपास रहते हैं तो इस जगह पर ज़रूर विजिट करिए, और टाइम पे ही आइए। हम भी टाइम पे आए थे वैसे, हम 1 घंटा जल्दी आ गए, राइट? 2 बजे की फेरी थी, 1 बजे आ गए थे, बट वेदर चेक करके, लेकिन 2 बजे वाली उन्होंने कैंसिल कर दी। या तो वेदर चेक करके आइए, तो इतना अच्छा वेदर नहीं होना चाहिए, राइट? तो चलें बीच चलते हैं, बीच चलते हैं, तो आपको भी दिखाते हैं बीच।
सो भाई बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी कि बीच साइड जाना है, साहिब जी के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो वो आज पूरी हो गई है। तो हमने अपने खाने पीने का सामान, चदरे वदरे रख लिए हैं। बीच तो इच्छा थी कि भाई पानी में डुबकी लगानी है, पानी में डुबकी लगानी है। बीच वेयर हमारे हो गए हैं चेंज, तो चलते हैं मजे करते हैं, इच्छा सालों इच्छा पूरी होने की खुशी में। सो लेट्स गो। तो भाई लेमिंगटन शहर का ये जो बीच है, तो आप देख ही सकते हैं इसकी टाइड्स कितनी बढ़िया है, राइट? बहुत ऊंची टाइड्स है, तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। बच्चे कैसे यहाँ पर यू नो एंजॉय कर रहे हैं, तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है देखने वाली। सो फाइनली मैं अपना सपना पूरा करने जा रही हूँ, चलते हैं पानी के अंदर, राइट? सो गुरु साहिब जी, ये आपको हैंड ओवर करते हुए। सो गाइस, बीच पे हमने बहुत एंजॉय किया और बहुत देर तक हम पानी में रहे, बहुत ही फ़न किया। आसपास का मतलब इतने सारे लोग होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो अब आते हैं पॉइंट पे जो मैंने आपको प्रॉमिस करा था, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि है कनाडा में शादी के लिए क्या क्या करना होता है, प्रोसेस और ख़र्चा साथ में। तो सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पर पता लगी, सो आप इस गाड़ी में तब तक नहीं चढ़ सकते जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होगा। तो उस लाइसेंस के लिए हमें कहाँ जाना होता है गुरु साहिब जी? हर सिटी में एक सिटी हॉल होता है, सिटी हॉल होता है, सिटी हॉल होता है। तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है कि ऑनलाइन उनकी वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाकर हमें उनका जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर कर प्रिंट आउट निकाल कर और उसको इतने अच्छे से ध्यान से फिल करना होता है, और मतलब सारे आपके जो नाम है, पेरेंट्स का नाम एंड आपका नाम, सब कुछ सही होना चाहिए, राइट? एड्रेस भी सही होना चाहिए। और जिसकी कॉस्ट क्या है गुरु साहिब जी? आई थिंक $154 लिए थे हमसे। दूसरी प्रोविंसेस का अलग है और ओंटारियो में उसका प्राइस है $154 अप्रोक्सीमेटली। ऑनलाइन चेक करके सही एडिटिंग में डाल देंगे। हाँ, सही एडिटिंग में डाल देंगे कि कितना प्राइस है। और पहला खर्चा तो बड़ा आता है लाइसेंस लेना, और दूसरा आता है अगर जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, जिस तरीके की आपको शादी करनी है, जैसे क्रिश्चियन मैरिज करनी है तो ऑफिशियल्स जो आते हैं, जो मैरिज करते हैं, जो आपकी वोज वगैरह दिलाते हैं, उनका भी अलग से आपको रिजर्वेशन करानी है, और उनका 200 या 250 के आसपास खर्चा होता है। तो लाइसेंस प्लस ऑफिशियल्स, अगर आप सिख हैं तो कई गुरुद्वारे, हमने बहुत सारे गुरुद्वारे ऐसे चेक करे थे जिनके गुरुद्वारे की ही यू नो रिजर्वेशन मतलब हॉल बुक कराने के चार्जेस थे। मुझे याद है लंदन में मैंने चेक करा था कि एक गुरुद्वारे में शादी के लिए, तो लंदन में $1300 सिर्फ वहाँ की बुकिंग के लिए था, क्योंकि हम उनका गुरुद्वारा जो था 1 आवर के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हमें इतना किफ़ायती नहीं लगा, अफोर्डेबल नहीं था वो हमारे लिए, हो सकता है किसी और के लिए हो। और ये भी बात होती है कि आप जहाँ से शादी कर रहे हैं वो ऑथराइज्ड होने चाहिए, वो जो मैरिज है वो ऑफिशियल होनी चाहिए। क्या कहते हैं, अगर हम सिख वेडिंग की अगर मैं बात करूँ, जो हमने गुरुद्वारा में शादी कराई थी, तो मेरे कोई नोन में थे, मुझे अंकल जी जानते थे, तो उन्होंने सिर्फ कहा था तुम अपना फंक्शन एन्जॉय करो, तुम्हें इन बातों का ध्यान मतलब इन चीज़ों का ध्यान नहीं देना है। हमारा कोई ज़्यादा पर्सनल खर्चा नहीं था, अगर हमारे वो नोन पर्सन नहीं होते तो 2000 तक का खर्चा हमारा गुरुद्वारे में भी होता। और अगर आपने जो भी हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हो, जहाँ पर भी करते हो, हर जगह आपको मनी इतनी ही लगती है। अगर आपके कोई नोन में है, अगर आपकी कोई जान पहचान है, तो उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है ना गुरु साहिब जी। तो अगर आप यहाँ पर शादी करते हैं तो मेक श्योर आप 2 से 3 महीने पहले अपनी बुकिंग्स करा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बुकिंग्स जो है ऑन द स्पॉट बुकिंग्स बहुत महंगी हैं। दूसरी बात, अगर आप शादी करते हैं तो क्या कहते हैं उसे, बहुत सारी जगहों पर जैसे मंदिर है तो 3-4 मंदिर ट्राई करें, लोगों से पूछें, आपने जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं आपके अगर कनाडा में कोई रहते हैं, तो मोस्टली वो लोग मेंबर होते हैं गुरुद्वारे के या टेंपल के या जिस भी आप गुरु को मानते हैं, तो ट्राई करिए, अपने लिंक्स बनाइए। यहाँ पर भी लिंक्स बहुत ज़रूरी हैं, तो आपका काफ़ी पैसा बच सकता है। बाकी आप जो पार्टी करना चाहते हैं, जितने दिन का फंक्शन करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो हमने एक रेस्टोरेंट में पता किया था पार्टी हॉल 35 लोगों का, वो कितना कह रहे थे, अप्रॉक्सीमेटली 1800 समथिंग। हाँ, तो अगर हम टोटल लमसम कर लें, अगर आपने नॉर्मल हमारी जैसी शादी करनी, जैसे कि हमने नॉर्मल करी थी, कुछ ज़्यादा फंक्शन नहीं था, बट हमने
फ्रेंड्स ने बहुत फन किया था, तो लमसम लगा लो 3,000 to 4,000 dollars आपका खर्चा, आपका कपड़े उसमें इंक्लूडेड नहीं थे जो हमने डाले थे। और क्योंकि हाँ, ये सारे खर्चे तो होते ही हैं, फिर आना जाना गैस पे खर्चा होगा, काफी सारी चीजें होती हैं। तो four to five thousand हम लगा सकते हैं अगर आपने अपने कपड़े भी इंक्लूड करने हैं। तो कनाडा में शादी करना सस्ता नहीं है, बट अगर आप समझदारी से करें, अगर आपने जितनी पार्टियां करनी है तो फिर 10, 20, 30, 40 जैसे इंडिया में जितना पैसा डालोगे उतनी अच्छी शादी होगी। बट ऐसा हिसाब किताब था, ऐसा हिसाब किताब है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जैसे ही आप लोग लाइसेंस ले लोगे हाँ, तो उसके 3 महीने के अंदर शादी करानी होती है, वो एक्सपायर हो जाता है। लाइसेंस भी एक्सपायर हो जाता है जिसकी वैलिडिटी है 2 to 3 months है। तो हमने भी अपना लाइसेंस बहुत एंड मोमेंट पे, हमारे सारे काम बहुत एंड मोमेंट पे हुए थे। यार हमें पता था हमने जुलाई में शादी करनी है, इसलिए हमने आई थिंक जून में लिया। एग्जैक्टली, और जुलाई में शादी करने का भी एक रीजन था जो आने वाली हमारी लव स्टोरी होगी उसमें आपके साथ शेयर करेंगे कि हमें क्यों जुलाई में ही शादी करनी थी। और लव स्टोरी सो उसमें हम आपसे शेयर करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे इस वाली वीडियो के नीचे वो उससे मैं डिसाइड करूँगी कि नेक्स्ट इस हफ्ते मेरे को लव स्टोरी डालनी है अपनी वीडियो या नेक्स्ट वीडियो डालनी है। सो गाइस कमेंट बिलो। और अभी हम चलते हैं, हमने ना अमन को सरप्राइज देने जाना है सारनिया, तो अब हम चलते हैं सारनिया, थोड़ा सा आपको वहाँ का भी दिखाते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस लेमिंगटन से हम सारनिया आ चुके हैं और यहाँ आने में हमें लगा है 1 hour and 40 minutes, और जिसका हमें पता ही नहीं लगा क्योंकि हम आए हैं कंट्री साइड से, तो व्यू बहुत ही ज्यादा मजेदार था। बातें करते हुए आए हैं, खाते पीते आए हैं। तो अब हम अमन को देने वाले हैं सरप्राइज, हम उसके घर में पहुंच गए हैं, देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होगा। क्योंकि हमने चेकआउट करा था कि अमन आज कर क्या रहा है, तो वो कह रहा था कि मैं क्या कर रहा था, गुरुद्वारे जाने वाला हूँ। तो मैंने कहा यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर हम भी गुरुद्वारे पहुंच जाएंगे, इसी बहाने दर्शन हो जाएंगे। तो चलते हैं अमन से मिलते हैं। अमन तो घर पे है नहीं, पर उसके घर का एरिया देख लो, बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है, बहुत ही अच्छे एरिया में रहता है अमन। सो अब हम रास्ते में जा रहे हैं देखने, उसको पिक करने, और हम भी गुरुद्वारे चलते हैं फिर, राइट। बट एरिया इसके घर का बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही पसंद है सारनिया। सो गाइज हम पहुँच गए हैं अमन के साथ सारनिया, और हम सारनिया बीच आए। अमन कौन सी बीच है ये, नहीं याद? माइक वियर पार्क है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है। आसपास इतने ही ज़बरदस्त घर हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो यहाँ पर मुझे अपना एक पॉइंट ऐड करना था, जब आप अपना लाइसेंस लेने जाते हैं वो आपको एक एनवलप देते हैं जिसके अंदर एक पेपर होता है, जो आप जहाँ पर शादी कराने जब जाएंगे, किसी भी जिस भी रिलीजन के में आपने शादी करनी है वहाँ पर वो आपको पेपर लेके जाना है, वहाँ साइन वगैरह होगा, वो साइन कराएंगे और जो उस पेपर में डॉक्यूमेंट होंगे दोनों कंपाइल करके आपको थंडर बे उसको क्या करना है, पोस्ट करना है, ठीक है, राइट गुरु साहिब? सो आई एम राइट। सो उसको पोस्ट करना है, तो वहाँ पर एजेंसी है जो मैरिज एजेंसी होती है, राइट, जो भी है सरकारी। एग्जैक्टली, तो 2 to 3 महीने तक आपका जो ऑफिशियल मैरिज सर्टिफिकेट है वो दे देंगे, और प्रोविजनल वाला वो आपको उसी टाइम हाथ में पकड़ा देंगे जो ये बोलेगा कि आप शादीशुदा हैं। सो ये थी हमारा एंटायर प्रोसेस, मनी की बात हमने पहले ही कर ली है। तो अब ये बीच के नज़ारे लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि सनसेट हो चुका है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपके कोई और क्वेश्चंस भी हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। और लास्ट में मैं क्लिप्स डाल दूंगी इस बीच के, सो देख कर जाइएगा। तो बाय।